हे गाइस, आप देख रहे हैं M22 चैनल। आज हम आपको बताएंगे सैमसंग गैलेक्सी M प्राइम के बारे में। भाई ये फ़ोन सुना जा रहा है कि ये भाई M31 प्राइम के नाम से भी ये आ सकते हैं, तो देखेंगे क्या होता है एंड क्या नहीं एंड क्या नाम से आता है। फिलहाल तो भाई M प्राइम ही निकल के आ रहे हैं, आप देख सकते हो, एंड इसका लैंडिंग पेज भी आ चुका है अमेजन पे। तो बहुत ही जल्दी ये फ़ोन आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड इसका स्पेक्स निकल के आ चुका है, जो इस वीडियो में आपको बताएंगे, एंड सब कुछ ऑफिशियल निकल के आ चुका है। तो भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़रूर लास्ट तक देखना एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए भाई मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोज आगे देखने के लिए, एंड वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर से लाइक कर देना। तो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, जो डिस्प्ले आपको मिलेंगे 6.4 इंच का एक छोटा डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले इधर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। एंड बात करेंगे इसकी यूजर, तो भाई वही घटिया वाले यूजर दे रहा है, एक्सोनॉस 9611, जो बहुत सारे सैमसंग के लगभग सारे के सारे फ़ोन में, मतलब जो भी 2020 या जो भी 2019 के लास्ट तक निकला है, सभी में आपको इस यूजर ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। कुछ ही ऐसे फ़ोन है जो आपको दूसरे प्रोसेसर के साथ देखने के लिए मिलता है, तो ये प्रोसेसर बिल्कुल ही घटिया से घटिया है मेरे हिसाब से। मतलब एक प्राइस ठीक ठाक हो तो भाई ठीक है, लेकिन प्राइस ज़्यादा रखता है एंड प्रोसेसर भी उतना अच्छा नहीं देता। अगर इस पे 7 सीरीज़ की किसी भी स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर देता तो बहुत बढ़िया होता एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ़ोन निकल के आ सकता था, ठीक है। तो बात करेंगे इसकी वेरिएंट, तो भाई 6GB, 128GB, 6GB, 64GB दो वेरिएंट में ये फ़ोन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको अलग से डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट देखने के लिए मिलता है, तो आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो आप 512GB तक एक्सपेंड कर पाएंगे। तो वही बात करेंगे इसकी कैमरा, पीछे आपको 4 कैमरे देखने के लिए मिलेंगे, क्वाड कैमरा सेटअप के साथ ये फ़ोन आपको देखने के लिए मिलेंगे। 64 का मेन कैमरा, 8 का अल्ट्रावाइड, 5 का मैक्रो एंड 5 का डेप्थ सेंसर पीछे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड बात करेंगे भाई सेल्फी, तो 32 मेगापिक्सल का एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ सेल्फी कैमरा आपको मिलेंगे। एंड बात करेंगे इसकी बैटरी, तो भाई 6000 mAh की बैटरी मिलेंगे, साथ में 15 वाट का एक फास्ट चार्जिंग भी मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग बोल सकते हो क्योंकि 10 वाट से 5 वाट ज़्यादा है, तो आप ज़रूर से इसको फास्ट चार्जिंग बोल सकते हो। बट प्राइस इसका अगर ठीक ठाक है ना तो भाई फ़ोन बिकेंगे, अगर प्राइस ज़्यादा रख दिया, ओवर हो गया, तो भाई बिकने नहीं वाला। एंड प्राइस भी आपको बताएंगे बाद में, तो भाई वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो भाई बात करेंगे इसकी अदर कनेक्टिविटी, तो इधर आपको ब्लूटूथ, वाईफाई, एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेंगे, 11 भी मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आया तो कुछ नहीं बता सकता। एंड पीछे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल जाएंगे, आपको इन डिस्प्ले नहीं मिलेंगे। AMOLED देने के बाद भी ये सैमसंग वालों साला क्या करता है यार, सॉरी गाली दे दिया, एंड फिंगरप्रिंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इन डिस्प्ले आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट मिलेंगे रेयर पे, ठीक है। बात करेंगे इसकी प्राइस, तो वही ये फ़ोन आपको मिलेंगे अंडर 18,000 में ये फ़ोन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट थोड़ा सा प्राइस मुझे ज़्यादा लग रहा है इसके स्पेक्स के हिसाब से। अगर सैमसंग इस फ़ोन को अच्छे प्राइस में लॉन्च करता है तो भाई बहुत बढ़िया, अगर 15,000 से 16,000 के बीच में ये फ़ोन आ जाए ना तो बहुत ही बढ़िया होने वाला। बट ये 15,000 to 16,000 में ये फ़ोन आपको देखने के मिलेंगे, ये अंडर 17,000 to 18,000 के बीच में देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे ही लीक्स आ रहा है, रूमर्स आ रहा है, तो देखेंगे क्या होता है। एंड ये ऑफिशियली अमेजन से ये जाने वाला, जैसे आपको बोला लैंडिंग पे जा चुका है अमेजन पे, एंड ये अमेजन पे सेल पे जाएंगे बहुत ही जल्दी आने वाला। भाई वेट कीजिए, देखेंगे क्या प्राइस पे लॉन्च होता है एंड कैसा भाई अब गेमिंग भी ठीक ठाक कर पाएंगे, अगर प्राइसिंग अच्छे हो तो आप लेंगे एंड बाद में तो गेमिंग करेंगे ना भाई। तो भाई वीडियो इतना ही था, अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेने ऐसे वीडियोस आकर देखने के लिए। तो भाई चलते मिलते किसी दूसरे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।